नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन सचान और आपका मेरे चैनल टेक्सन फैक्ट्स में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू फिक्स अ डीएसएलआर और अ कैमरा इनटू अ ट्राइपॉड। मैंने अमेजन से ट्राइपॉड मंगाया था फोटोन की 450, जिसकी मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन, अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशंस अपने लास्ट वीडियो में दी थी। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ बताएंगे कि एक ट्राइपॉड पे एक डीएसएलआर कैसे फिक्स करते हैं और जो इसमें ये बबल लेवल और जो सारे इसके की पॉइंट्स होते हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास इस टाइम ये निकॉन D3200 DSLR है, हम लोग इसको लगाएंगे इस पर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले यहाँ से इसको थोड़ा लूज़ किया जाता है, तब ये रोटेटेबल हो जाता है और जो इस पर जो क्विक रिलीज प्लेट होती है, क्विक रिलीज प्लेट एक्चुअली में यहाँ पर होती, तो हम लोग यहाँ से ऐसे इसको ऐसे खींच कर इसको निकालते हैं। यूं ये थोड़ी सी टाइट है, तो ये मुझे एक एक्स्ट्रा क्विक रिलीज प्लेट पहले से मिली है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे फिक्स करते हैं इसको। तो ये रहा मेरे पास मेरा डीएसएलआर, इसके नीचे एक हल्का सा पॉइंट होता है जहाँ पे ये इसके जो राउंड्स होते हैं वो लग जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसको ऐसे रोटेट करता हूँ। तो ये यहाँ पे कुछ राउंड्स रोटेट होता है और अब ये फिक्स हो गया है। अब एक बार चेक कर लीजिए कहीं से निकल तो नहीं रहा है और फिक्स हो गया। अब इस क्विक रिलीज प्लेट को हम लोग डायरेक्टली इस पर लगाते हैं और यहाँ से ऐसे स्ट्रेच करते हैं और इस पर लगा कर छोड़ देते हैं और टाइट कर देते हैं। तो अब देखिए ये इस पर फिक्स हो गया है, तो अब ये रोटेटेबल है इजीली और इस पर फिक्स हो गया है। हम लोग यहाँ से इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, इस पर हैंडल लगा हुआ है और इस हैंडल से हम लोग लूज और टाइट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी लेग्स होते हैं वो लेग्स कैसे ओपन होते हैं। यहाँ पे की लगी होती है, इस की को हम लोग ऐसे ओपन करते हैं और एक लेग खुलता है, देन इसके बाद हम लोग को की को लॉक करना पड़ता है फिर से। ऐसे ही चारों तरफ होता है, हम लोग की को खोलते हैं और लॉक कर देते हैं। तो मैं अभी एक ही लेग खोल रहा हूँ इसका, तो ये मैंने खोल दिया पूरा और ये मेरा हाफ खुल गया। मैं आपको फुल लेंथ भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से अब तीनों की तीनों कीज खोल दे रहा हूँ और प्रोसीजर सेम है कीज खोलने का। और ये अब ये फुल लेंथ हो गया है, फुल लेंथ नहीं एक्चुअली में इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, मैं ऊपर से दिखाता हूँ एक। तो इस टाइम ये काफ़ी लंबा हो गया है, इस टाइम इसमें डीएसएलआर फिक्स हो चुका है पूरा और मैंने इसके जो नीचे के लेग्स होते हैं वो खोल रखे हैं। ये और भी ज़्यादा ऊपर हो सकता है, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, इसको हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं तो ये और ऊपर होता है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो ये अब और ज़्यादा हो गया और ये अब जाकर फुल लेंथ हो गया है, मे बी अब जाकर ये फुल लेंथ हो गया है। तो ये मैक्स अप्रॉक्स 2 मीटर्स तक जाता है, 4.5 फीट लॉन्ग होता है। और मैं आपको इसके कुछ और भी फीचर्स होता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बबल लेवल होता है, मुझे नहीं पता आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने DSLR को सामने रख रखा है। तो यहाँ पे एक बबल लेवल होता है, ये बबल आपको शो हो रहा होगा, ग्रीन कलर का लिक्विड फिल होता है। तो ये बबल जिस साइड होता है इससे हम लोग पता करते हैं कि हम लोगों का DSLR जो रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है, वो सीधा है या नहीं। अगर बबल बीच में है तो मीन सीधा, अगर बबल एक साइड है तो मीन एक साइड को तरफ है। तो ये इसके और भी फीचर्स होते हैं और हम लोग इससे इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं इस हैंडल से, और यहाँ पे कुछ कीज लगी होती हैं इसको ढीला और टाइट करने के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये की होती है ढीला टाइट करने के लिए एक इस वाले रॉड को, और जो नीचे वाली रॉड होता है उसको थोड़ी लूज और टाइट करने के लिए ये वाली की होती है। तो ये सारी कीज होती हैं जो मैटर करता है। तो दोस्तों मैंने इस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग और बाकी सारे फीचर्स का वीडियो पहले ही से बना रखा है, उसकी लिंक मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूले, और अगर मेरे चैनल टेक्सन फैक्ट्स को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्सन फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।